हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका धनुष गार्डनिंग में। दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने आम की एयर लेयरिंग की थी, जिसके करीब 40 से 45 दिन हो चुके हैं। आइए उसे देखते हैं कि वो एयर लेयरिंग सक्सेस हुई या नहीं। दोस्तों, जब मैंने एयर लेयरिंग की थी, उस समय की वीडियो मैं नहीं बना पाया था, उसके लिए सॉरी, माफ़ी मांगता हूँ। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इस पेड़ पर मैंने एयर लेयरिंग की थी। चलिए उस ब्रांच को देखते हैं जिस पर मैंने एयर लेयरिंग की थी। ये है वो ब्रांच, 2-3 साल पुरानी है। मोटाई लगभग पैर के अंगूठे जितनी है। आइए इसे खोल कर देखते हैं। अच्छे से बांधा हुआ है। दोस्तों, मोबाइल को रखते हैं साइड में और खोलने के बाद आपसे मिलते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, मिट्टी काली पड़ गई है, सवाल जैसे लग गए हैं। हटाते हैं मिट्टी को। ये देखिए, जैसी थी वैसी है, कहीं से मिट्टी फटी नहीं है। पूरा हटाते हैं। ये तो लग रही है फेल हो गई है, कुछ सफ़ेद सफ़ेद सा दिख रहा है ना। ये तो नहीं हुई है, मुझे लग ही रहा था ये नहीं हुई है, क्योंकि प्लास्टिक के बाहर से ही रूट्स दिखने लगते हैं। अच्छे से देखिए दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद था टाइम। मैंने 45 दिन इसका इंतज़ार किया और ये सक्सेस नहीं हुई। इसलिए आप किसी नर्सरी से कलम वाले पौधे ले सकते हैं, अगर टाइम बचाना चाहते हैं तो, क्योंकि गार्डनिंग में पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। पेशेंस के बिना गार्डनिंग नहीं हो सकती है। बहुत कोई भी चीज़ होने में, कोई भी मतलब पेड़ पौधे हो गए, या फिर आप मिर्च लगाते हो या खीरे वगैरह लगाते हो, तो वही टाइम बहुत ज़्यादा लगती है, उसके लिए पेशेंस रखना होगा। चलिए कोई नहीं, दूसरी लगाएंगे। पूरी प्लास्टिक को निकाल देते हैं ताकि अच्छे से बढ़े। और मेरा यही मानना है, अगर आपने पहले की हुई है, इस तरह के एक्सपीरियंस है आपको, तो आप एयर लेयरिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं की हुई है पहले, तो फिर ये दिक्कत होती है। मैंने 40 दिन इंतज़ार किया। कोई नहीं, चलिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।